सभी विद्यार्थियों का हमारे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आज का टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट, तो पी बराबर मूलधन, आर बराबर दर, टी बराबर समय, एसआई बराबर साधारण ब्याज। इस सूत्र के माध्यम से हम जितने भी सूत्र हैं इस सिंपल इंटरेस्ट के, सभी इस सूत्र से निकालेंगे। एसआई गुणे 100 बराबर पी गुणे आर गुणे टी। पहला सूत्र है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, और इसी में त्रिक गुणा करके हम पी बराबर एस आई गुणे 100 बटे दर गुणे समय, तो ऐसे सभी सूत्र निकाल लेंगे इसके माध्यम से। और मूलधन हम इसमें 100% रखेंगे। ब्याज जो है हमारा हो जाएगा आर गुणे टी बराबर ब्याज हो जाएगा। मिश्र धन हम मूलधन और ब्याज को जब जोड़ देंगे तो हमारा मिश्र धन निकल जाएगा। तो हमारा पहला सवाल है 4000 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। साधारण ब्याज बराबर हो जाए पी गुणे आर गुणे टी बटे 100, तो पी के स्थान पे हो जाएगा 4000, आर के स्थान पे हो जाएगा 5% और टी के स्थान पे 4 वर्ष बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे और गुणा कर देंगे तो ब्याज हमारा 800 निकल जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है 900 का 2 वर्ष में 5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 900 गुणे 2 गुणे 5 बटे 100, 0 से 0 कट जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा और 18 पंजे 90, 90 2 वर्ष का ब्याज 5% का ब्याज होगा। यही हो जाएगा उत्तर। तीसरा क्वेश्चन है 12000 का 15 जून 2015 से 27 अगस्त 2015 तक 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। तो 15 जून से लेकर 27 अगस्त के बीच में 73 दिन होगा, तो यहाँ पर हो गया 15 दिन जून में 15 दिन बचा है, फिर जुलाई में 31 दिन और 27 अगस्त 27 दिन, तो तीनों जोड़कर 73 दिन हो जाएगा। 73 दिन को वर्ष में बदलने के लिए 73 को 365 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 73 पंजे 365 बराबर हो जाएगा 1/5 वर्ष। तो 1/5 10% वार्षिक ब्याज है, 10% वार्षिक ब्याज है, तो 1/5 में 10 से गुणा कर देंगे, 5 × 10 बराबर 2%। 73 दिन का जो ब्याज होगा वो 2% होगा। 73 दिन का ब्याज 2%। क्वेश्चन में कह रहा है कि 12000 रुपये का 73 दिन में 2% का ब्याज कितना होगा। तो 2% का ब्याज निकालने के लिए बारह हजार गुणे 2/100, तो जो 2 जीरो कट जाएगा तो बराबर हो जाएगा 240 रुपये। 73 दिन का ब्याज 240 रुपया उत्तर।
क्वेश्चन में कह रहा है 12,000 का 3 सही 1/2% वार्षिक ब्याज की दर से 8 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो 12,000 × 3 सही 1/2 × 8/100, तो 3 का जब 3 दूनी 6 7/2, तो यहाँ पर हो जाएगा 7/2। 7/2 में 7 में जब 2 से भाग करेंगे तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 3.5। तो 2 0 से 2 0 कट गया, यहाँ पर 1 0 बढ़ाकर दशमलव हटा देंगे, तो 1 0 से 1 0 कट गया। 12 × 35 × 8 बराबर हो जाएगा 3,360, यही हो जाएगा हमारा आंसर। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।